हेलो फ्रेंड, मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब फैमिली प्रीवियस एग्जाम पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार अमीन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा जो होने वाला है 2020 में, उसी का टेस्ट सीरीज। तो आज टेस्ट सीरीज का हम 7वां भाग देखेंगे। तो यहाँ पे बाकी हम 6 टेस्ट पहले देख चुके हैं, साथ में प्रीवियस ईयर के कुछ एग्जाम पेपर को भी डिस्कस कर चुके हैं। जो विद्यार्थी उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख के उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ में उनका पीडीएफ भी है, तो उस पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे 1 से लेकर 75 क्वेश्चन। तो इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें इस तरह के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो लेके चलते हैं पहला सवाल। पहला सवाल आपके सामने होगा, यहाँ पे पूछा हुआ है कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 2005, ठीक है, सूचना अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य की बात किया जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, पारदर्शी प्रशासन। ठीक है, यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है, भारत के प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता एवं संबंधित सरकारी विभागों की सूचनाओं को आम आदमी तक पहुँचाने के लिए 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके सामने होगा, पूछा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका ऑप्शन, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बेंगलुरु। ठीक है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंसाधन संस्था का मुख्यालय बेंगलुरु में है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होता है। ठीक है, इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1962 ईस्वी में की गई थी, ध्यान रखें। और इनका पुनर्गठन की बात किया जाए तो 1969 में किए गए थे। ठीक है, स्थापना इसका 1962 ईस्वी में, पुनर्गठन की बात किया जाए तो 1969 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट सवाल आपके सामने होगा, पूछा है भारत के नव नियुक्त मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन है। तो भारत के जो नव नियुक्त मुख्य न्यायाधीश की बात किया जाए तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, शरद अरविंद बोबड़े साहब को भारत के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया है, मतलब CJI चीफ जस्टिस ऑफ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, तो अरविंद बोबड़े साहब जी हैं। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल आपके सामने होगा, पूछा है भारत सरकार में वर्तमान में गृह मंत्री इनमें से कौन है। तो गृह मंत्री बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, तो इनका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अमित शाह जी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। पांचवा सवाल पूछा गया है आपके इस टेस्ट पेपर में, नारायण कार्तिकेयन निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो नारायण कार्तिकेयन, इनका खेल का नाम पूछा गया, किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा Formula 1 कार रेस, एक कार रेसर हैं, और इसका सही जवाब ऑप्शन डी होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, पूछा है रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया था। तो रदरफोर्ड के द्वारा कौन सा प्रयोग किया गया था जो नाभिक के अस्तित्व को, मतलब न्यूक्लियस के एग्जिस्टेंस को प्रूफ किया था। तो ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, गोल्ड फॉइल का नियम। ठीक है, गोल्ड का एक फॉइल लिया गया था और वहाँ पे प्रकाश की लाइट को, किरण को पास करवाया जा रहा था, जिससे आपको पता चलता है कि नाभिक का एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल आपके सामने होगा, क्वेश्चन नंबर 7वां आपके सामने है, पूछा है निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है। तो कृत्रिम की बात किया जाए, आर्टिफिशियल कीटनाशक दवाई की बात किया जाए, इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा 7वां का डी। ठीक है, पैराकेट एक आर्टिफिशियल, ठीक है, इंसेक्टिसाइड नहीं है। बाकी आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है डाइक्लोरो, ठीक है, डाइफिनाइल ट्रिक्लेरोइथेन DTT जिसको बोलते हैं, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है, DTC का फुल फॉर्म है, DDCT का। फिर आपका ऑप्शन सी, बी और ऑप्शन सी, ये जितने हैं बी
एचसी ये सब जो है आपके कीटनाशक दवाइयां हैं, जबकि पैराकेट एक कीटनाशक दवाई है लेकिन कृत्रिम नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है। ठीक है, पैराकेट क्या है? तो पैराकेट एक छोटा सा पक्षी है जो कीटों को खा जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राज्यसभा की बात किया जाए, राज्यसभा के लिए चुने गए या तो नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं या तो नामांकित किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होता है। ठीक है, राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या पूछ लेता है, तो कुल की सीटों की संख्या कितनी है? 250। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या चुने जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रखें। राज्यसभा को हम लोग ऊपरी सदस्य सभा कहते हैं, जबकि लोकसभा को निचली सभा कहते हैं। 9 नंबर सवाल आपके सामने है, भारतीय ईटेल विशाल कंपनी फ्लिपकार्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? ठीक है, तो भारतीय ईटेल विशाल कंपनी फ्लिपकार्ट जो है, ठीक है, उसके सीईओ का नाम पूछा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन डी। ठीक है, कल्याण कृष्णमूर्ति जी जो हैं वो फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं। 10वां नंबर सवाल पूछा है, भारत के रेल मंत्री निम्न में से कौन है? तो भारत के रेल मंत्री की बात किया जाए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पीयूष गोयल साहब जो हैं वो भारत के रेल मंत्री हैं। ठीक है, जबकि रेल मंत्रालय के सीईओ की बात किया जाए, ठीक है, अध्यक्ष की बात किया जाए तो वो कौन है? तो विनोद यादव जी जो हैं वो रेल मंत्रालय के सीईओ हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, गीता चौधरी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो गीता चौधरी की बात किया जाए तो गीता चौधरी जो है आपका ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, कुश्ती से है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गीता चौधरी कुश्ती खेल से संबंधित है। यह महिला 55 kg 55 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती के लिए जानी जाती है। 12 नंबर सवाल आपके सामने होगा, पूछा अंतर्राष्ट्रीय फ्राटा धावक उसेन बोल्ट किस देश से संबंधित रखती है? तो उसेन बोल्ट के बहुत ही परिचित नाम है, ठीक है, बहुत चर्चा में रही है उसेन बोल्ट, तो ये किस कंट्री की है जो एक धावक है? तो 12 का आपका डी सही हो जाएगा, जमैका की है। कहाँ की है? जमैका की है, और ये कहाँ पे पड़ता है? तो अमेरिका देश के जमैका से संबंधित है। ठीक है, जब आपको यहाँ पे जमैका ना रहे तो आप अमेरिका टिक लगाएंगे, लेकिन यदि आपको जमैका है तो आप जमैका को टिक लगाएंगे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक 2012 में 3 गोल्ड मेडल प्राप्त की थी। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, यहाँ पे 13 नंबर सवाल पूछा है, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी? तो जो गढ़ जगह है वो हड़प्पा सभ्यता में किसके लिए जानी जाती थी? तो 13 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे, उसे हम लोग गढ़ कहते थे। 14 नंबर सवाल देखेंगे, तो यहाँ पूछा हुआ आपको कि आयुष मिशन किससे संबंधित है? तो आयुष मिशन किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्वास्थ्य से। ठीक है, तो 14 का भी सही हो जाएगा इसका जवाब। ठीक है, ये कब एग्जिस्टेंस में आया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 सितंबर 2014 को। कब हुआ था? 15 सितंबर 2014 को आयुष मंत्रालय या आयुष मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी जो भारत के मुख्य प्रधानमंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, पूछा है मनरेगा में अब अधिकतम कितने दिन कार्य दिया जा सकेगा? तो मनरेगा में के अंतर्गत अब कितने दिन का कार्य दिया जा सकेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 150 दिन का। ठीक है, जैसा कि आपको पता है मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, इसे 2005 और फरवरी 2006 से भारत में लागू किया गया था। मनरेगा था पहले 2005 में, ठीक है, और इनको लागू बनाया गया था और 2006 से इसको लागू कर दिया गया था। इससे पहले जो था 100 दिन का कार्य दिया जाता था, लेकिन बाद में 2012 के बाद
सरकार ने कार्य की अवधि को 150 दिन कर दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 200 दिन का कार्य दिया जा सकता है, लेकिन अभी जो दिया जा रहा है ठीक है, वो कितना दिया जा रहा है, 150। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, महात्मा गांधी का भजन वैष्णो जन तो तेने कहियो को निम्न में से किसने लिखा था, ठीक है। तो ये जो सवाल है आपके, महात्मा गांधी का जो एक फेवरेट प्रार्थना हुआ करता था, ठीक है, वैष्णो जैन को तेनो कहियो, ये जो लिखा, ये किनके द्वारा लिखा गया था, तो ये ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, नरसिंह मेहता जी के द्वारा ये लिखा गया था, और इसी भजन को महात्मा गांधी हमेशा गुनगुनाते रहते थे। 17 नंबर सवाल आपके सामने है, लंदन ओलंपिक में किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम पदक जीता था। तो लंदन ओलंपिक की बात किया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, गगन नारंग ने पहला पदक जीता था, ठीक है। तो इन्होंने 2012 में प्रथम कांस्य पदक जीता था, राइफल शूटिंग में एक पदक प्राप्त हुआ था। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने सिर्फ 2 रजत तथा 4 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीते थे। आगे बात आती है 18 नंबर क्वेश्चन, वाहन में कार्बोरेटर का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। तो कार्बोरेटर का जो प्रयोग किया जाता है वाहन में, तो क्यों किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने होगा यहाँ पे 19 नंबर में आपको पूछा है, भारत वापस आ गए किसी या निवासी द्वारा विदेशी मुद्रा कारोबारी बैंक में खोले गए विदेशी मुद्रा खाते को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपके सामने हो जाएगा 19 का ऑप्शन ए, मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने होगा, पूछा है सरकारी बजट पेश करने के तारीख कौन तय करता है। तो सरकारी बजट पेश करने के तारीख की तय करने की बात की जाती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति जी इसकी तारीख को, डेट को तय करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होता है। आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है, पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में प्रथम स्टेशन कौन सा है या कहाँ पे रुकती है। तो जो पाकिस्तान से थार एक्सप्रेस आती है तो राजस्थान में जब एंट्री करती है तो पहला स्टेशन कौन सा होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, मुनावाव, ठीक है, मुनावाव पहला स्टेशन होता है राजस्थान में। भारत पाकिस्तान के बीच में 17 फरवरी 2006 से एक साप्ताहिक ट्रेन थार एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी ये देख लीजिए, 17 फरवरी 2006 से थार एक्सप्रेस का शुरुआत हुआ था, ठीक है। भारत में इसका प्रथम स्टेशन जो होता है वो मुनावाव होता है, जो राजस्थान के जोधपुर जिले में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने होगा, पांचना बांध राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो पांचना बांध की बात किया जाए तो राजस्थान के करौली जिले में अवस्थित है, तो करौली ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पूछा है सूर्य के किरणें मानव शरीर के लिए निम्न कारण से उपयोगी होते हैं। तो सूर्य के किरणें मानव शरीर के लिए किस कारण से उपयोगी होते हैं, तो ये क्या करते हैं, तो ये जो मानव शरीर के त्वचा को विटामिन डी देते हैं, क्या देते हैं, विटामिन डी देते हैं, और विटामिन डी को ए हार्मोन भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखें, जो हड्डियों एवं त्वचा के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। यहाँ पे आगे देखेंगे 24 नंबर सवाल, पूछा भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा 24 का ऑप्शन ए, ट्रांबे मुंबई में अवस्थित है, ठीक है। 25 नंबर सवाल पूछा है आपका, भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। तो 25 का ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सतलज नदी पे, ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है, या भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो पंजाब राज्य में है। नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है, इस बात को आप ध्यान रखें, बार बार एक सवाल रिपीट होते हैं। पूछा यहाँ पे आपका 26 नंबर सवाल में पूछा है, पूसा रसराज किसका उन्नत किस्म है। तो पूसा रसराज, ठीक है, कौन सा खाद्यान्न का उन्नत किस्म है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, खरबूजे का, ठीक है, खरबूजे का एक उन्नत किस्म है जिसका नाम है पूसा रसराज। ऐसे इसको ध्यान में रखें,
कि खरबूजे में क्या होता है, रस ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है खरबूजे में, तो इसको रखें पूसा रसराज। यहाँ पे आगे पूछा आपके सामने 27 नंबर में, उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेर फेर किससे की जाती है, तो गेहूं की फसल की हेर फेर धान की फसल से की जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा हुआ है यहाँ पे आपके सामने कि एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो एक हॉर्स पावर सबसे बड़ी पहली बात है कि हॉर्स पावर ये पावर की मतलब शक्ति की यूनिट होती है, और एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने पूछा है 29, कूड़े से रहित ऊर्जा निर्माण में कौन से राज्य अग्रणी है, तो कूड़े से जो हरित ऊर्जा निर्माण करती है तो कौन सा राज्य है, तो 29 का सही जवाब आपका बी हो जाएगा, महाराष्ट्र और पंजाब, ठीक है। कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में महाराष्ट्र और पंजाब दोनों अग्रणी राज्य हैं। 30 नंबर सवाल आपके सामने पूछा है, वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पे कितने वृक्ष हैं, तो वैज्ञानिक के अनुमान से इस ग्रह पे कितने वृक्ष हैं, तो 30 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3 ट्रिलियन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। येल विश्वविद्यालय की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 3 ट्रिलियन वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं। यहाँ पे देखें 31 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था, तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रकाशित किया गया था पहली बार, तो 31 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2006 2007 में किया गया था, ठीक है। फिर इसका आर्थिक सर्वेक्षण 2018 2019 में इस श्रृंखला का 13वां सर्वेक्षण था, ठीक है, 2018 और 19 में किया गया था, ये इनका 13वां सर्वेक्षण था। पहला सर्वेक्षण कब था, 2006 और 7 में। हम देखेंगे 32 नंबर सवाल, 32 नंबर सवाल आपके सामने है और पूछा है आपको कि 2018-19 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, तो कितने लोग हैं जो कृषि से संबंधित हैं बिहार राज्य में, तो 32 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 77% लोग, ठीक है, एक अनुमान है कि 77% लोग जो हैं वो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अधिक हैं, ठीक है, पूरे देश में ये औसत सबसे ज़्यादा बिहार राज्य में है। अब यहाँ पे देखा जाए आपका क्वेश्चन नंबर पूछा है 33, 33 में पूछा है कि नील विद्रोह किसके बारे में था, तो नील विद्रोह जो था वो किसके बारे में था, तो 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, उस पर उन्हें एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, तो ये इसके विरोध में किसान लोग एक विद्रोह किए थे, उसका नाम था नील विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 34 में है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, तो कौन सी जगह शामिल हुए थे, तो ऑप्शन ए सही जगह सही हो जाएगा आपका, आरा से। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, उन्होंने 25 जुलाई 1857 को दानापुर में विद्रोह करने वाले सैनिकों का नेतृत्व किया था तथा 2 दिन बाद जिला मुख्यालय आरा पर कब्जा कर लिया था, ठीक है, और 3 अगस्त 1857 को मेजर विसेंट अयर ने कुंवर सिंह की सेना पर को हरा दिया था और जगदीशपुर को नष्ट कर दिया था, ध्यान में रखें इतनी सारी बातें। 35 नंबर सवाल आपके सामने है, पूछा हुआ है कि निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से 1915 में गांधी जी के लौटने के बाद, ठीक है, भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 ईस्वी में किए थे, ठीक है, 1915 में गांधी जी भारत आते हैं और 2 वर्ष के बाद 1917 ईस्वी में एक सफल आंदोलन करते हैं, ठीक है, पहला सत्याग्रह जाना जाता है जो चंपारण में बिहार के चंपारण जिले से किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पूछा है कि कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो 36 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, या निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। 37 में पूछा है, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है, तो रोमन लिपि का प्रयोग ऑप्शन ए
ठीक है, कुलुई भाषा के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। तो 37 का ऑप्शन ये सही हो गया, सही होता है आपका। 38 नंबर में पूछा है, इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है? तो विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपाचय और कुपाचय, ठीक है, विपरीत शब्दों का जोड़ी नहीं है अपाचय का, ठीक है। विपरीत शब्द पाच्य होता है, अपाच्य का विपरीत शब्द पाच्य होता है, जबकि यहाँ पे कुछ कुपाच्य दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखें। 39 नंबर में पूछा है, अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? तो अत्याचार का फल अच्छा नहीं, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो 39 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तलवार का खेत हरा नहीं होता, ठीक है, तलवार का खेत हरा नहीं होता, इसी का अर्थ है अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता। 40 नंबर कहा जाए, तो निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए, सबसे यहाँ पे शुद्ध कौन है ये चारों वाक्यों में? तो 40 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, ये एक सही वाक्य है। आगे देखते हैं आपके सामने 41 नंबर सवाल, 41 नंबर सवाल आपके सामने है और पूछा हुआ है कि अर्थ अलंकार एक प्रकार का अलंकार है, तो अर्थ अलंकार जो है किस प्रकार का अलंकार है? तो 41 का सही जवाब आपका बी हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है, ध्यान रखें। इसमें हम लोग क्या करते हैं इस अलंकार में, ठीक है, जहां लोक सीमा का अतिक्रमण करते हुए किसी वस्तु का खूब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, ठीक है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आपके देखिए यहाँ पे 42 नंबर सवाल, ध्वन शब्द का विलोम शब्द पूछा हुआ है, तो ध्वन शब्द का विलोम शब्द आपका बी हो जाएगा, उल्टा शब्द पूछा है, तो ध्वंस मतलब किसी चीज को बर्बाद करना, तो इसका उल्टा शब्द हो जाएगा निर्माण। 43 का सही जवाब यहाँ पे देखिए, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपर्थ प्रस्त वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या है? तो दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होता है। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? हमेशा जो एक ही वचन में रहता है उसका सही जवाब क्या होगा? जनता, जनता हमेशा एक ही वचन में रहता है। 45 में पूछा हुआ आपको, फिल इन द ब्लैंक्स, निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? ठीक है, सामान्य भूतकाल का वाक्य है, तो इसका 45 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वर्षा हुई, ठीक है, ये सामान्य भूतकाल का है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने होगा, पूछा यहाँ पे समान अर्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को सुनिए, तो यमुना शब्द का उचित शब्द है समानार्थी, जिसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है, तो 46 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यमुना को हम लोग कालिंदी कहते हैं, कृष्णा कहते हैं और सूर्य सुता कहते हैं। 47 में पूछा है, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अवयव शब्दों से कौन से शब्द बनाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भाववाचक संज्ञा, कौन सा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। 48 की बात किया जाए, तो दीप जले शंख बजे किस किसकी रचनाकार की कृति है? तो किसकी कृति है दीप जले शंख बजे? तो 48 का बी सही हो जाएगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है आपका। 49 होगा, 49 में पूछा है, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? तो हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव आपका 49 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 14 सितंबर 1964 को, ठीक है, 14 सितंबर 1964 में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, इस कारण प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी बात ध्यान में रखें। पूछा हुआ है 50 नंबर में कि टीडी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो टीडी शब्द का बहुवचन की बात किया जाए तो पहला सही हो जाएगा टीडी दल, ठीक है, टीडी शब्द का बहुवचन टीडी दल होता है, यह एक प्रकार का कीड़ा होता है जो फसलों को नष्ट करता है। तो 50 सवाल थे जो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी से थे, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि आपका का एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन्ड हुआ है, तो आपकी तैयारी को बिल्कुल ऐसा बना लें कि सिलेक्शन आपका अच्छे से हो जाए। तो ये 50 के सवाल, 50 सवाल थे, 25 सवाल
इसी के नीचे में पीडीएफ दिया हुआ है, आप उनको सॉल्व कर लें। समय के अभाव के कारण मैं इसे सॉल्व नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं इसका फिर से एक मैथ और रीजनिंग का वीडियो बना के आपको दे सकता हूँ। उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स के नीचे में कमेंट करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें।